प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू योजना के तहत जनपद स्तरीय जागरूकता गोष्ठी रबी गोष्ठी का आयोजन मंगलवार को एनेक्सी भवन के प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद रवि किशन सहित अन्य अतिथियों द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित करके किया गया। जागरूकता गोष्ठी में डॉक्टर सतीश कुमार सिंह, वैज्ञानिक KVK बेलीपार, डॉक्टर अजीत कुमार श्रीवास्तव, वैज्ञानिक महायोगी गुरु गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र चौक माफी, डॉक्टर राहुल सिंह, OP गुप्ता सहायक निदेशक गन्ना अनुसंधान केंद्र, डॉक्टर SP सिंह वैज्ञानिक KVK बेलीपार तथा डॉक्टर SK तोमर सहित अन्य वैज्ञानिक और किसान मौजूद रहे। उप कृषि निदेशक संजय सिंह ने कार्यक्रम के उद्देश्य एवं विभागीय योजनाओं के विस्तार से चर्चा करते हुए कृषकों को फसल अवशेष प्रबंधन तथा तिलहन उत्पादन के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर सदर सांसद रवि किशन ने अपने संबोधन में कहा कि पराली को जलाने के स्थान पर विभिन्न उन्नत यंत्रों के माध्यम से उनका लाभकारी ढंग से प्रबंधन करते हुए खेती में उपयोग करने पर जोर दिया। उन्होंने पराली जलाने से मृदा जीवाश्म में क्षति, पर्यावरण प्रदूषण तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में चर्चा करते हुए कृषकों से पराली न जलाने का आह्वान किया। साथ ही देश में खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता का उल्लेख करते हुए किसानों का आह्वान किया गया कि वर्तमान रबी से अधिक क्षेत्रफल में तिलहन विशेषकर सरसों की खेती की जाए, जिससे किसान कम लागत में गेहूं की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त कर सके। इस दौरान मुख्य अतिथि द्वारा 2 उन्नतशील किसानों को ट्रैक्टर की चाबी सौंपी गई तथा 1 लोगो भी लॉन्च किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, अधिक से अधिक बार अपनी बात सांसद का उपकृषि को छोड़ने के लिए जागरूक करता रहा है। हमने सर न्याय पंचायत स्तर पे भी गोष्ठियां की है, हमने विकासखंड स्तर पे भी गोष्ठियां की है, हमने जगह जगह होल्डिंग भी लगवाई है, गांव में वॉल पेंटिंग भी कराई है और लगातार हमने किसान भाइयों को जागरूक करने का प्रयास किया है कि पराली कदापि ना जलाएं और पराली का अपने खेत में ही इस ढंग से प्रबंधन करें कि वो आपके खेत में जैविक खाद बन जाए जो आपकी आने वाली फसल को के लिए उपयोगी हो सके। कि हम छोड़ रहे हमके लगत रहे कि कहत रहे कि हमारे खेत फसल देख लें तो उनके लगे कि हमारे पास लाखों रुपया तिजोरी में पड़ा हुआ, वो गेहूं की चमक, वो चावल और धान की चमक जब वो खेत लहराए, वो हरियर लगे कि जब सरसों लगे तो ऐसे बाऊ की आंख में खुशी का आंसू आ जाए। रूहे हमनी के शक्ति भाई भारत कृषि प्रधान देश बाटे और एक बात पूरा विश्व जाना लगे भारत आज बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। हम लोग राइस एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग गेहूँ एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग सरसों करते हैं, हम लोग ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। भारत बहुत शक्तिशाली देश है कृषि को लेके और ये हम लोगों की बहुत बड़ी शक्ति है जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जानते हैं, पूज्य योगी महाराज जी जानते हैं, बहुत बारीकी से जानते हैं। और आज ये जो सरकार की कल्याणकारी किसान उपयोगी योजना भैल भाई कार्यक्रम के हम साधुवाद दे कि सरकार किसानों के लिए अनगिनत योजनाएं चला रही है समस्त भारत में, ना कि गोरखपुर मंडल में या गोरखपुर में होता है जहां हम लोग सर्किट हाउस के कैंपस में बैठे हैं, ये पूरे देश में हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के हमलों का मूल उद्देश्य यही है क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आदेश है समस्त संगठन को कि कृषि पर, किसानों पर गौर किया जाए, ध्यान दिया जाए। उसी चलते वो 3 बिल आया था, मैं भी पार्लियामेंट में मौजूद था, उसमें वोट हमारा भी गया था। बड़ा ध्यान से वो बिल पढ़े रहे, कहें कि हमके मालूम रहे कि बहुत विवाद हुई, विरोधी इसका
बोलेंगे इस पर, तो इसकी बारीकियों को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमको हमेशा पूछा जाता है, मीडिया कर्मी हमको हर जगह पूछते हैं। तो बिल के बारे में पूरा जानकारी, और बहुत फायदेमंद वो तीनों बिल था, बहुत ही फायदेमंद था किसानों के लिए। वो बात और बाकी लोग समझ ना पाए, लोगों की राजनीति कह देलन और किसानों मासूम किसानों पे, किसान तो मासूम होता है क्योंकि 12 महीना वो खेत में उलझा रहता है, 12 महीना किसान का खेती में ध्यान रहता है तो मासूम होता है, बट नेचुरल, क्योंकि वो उगाता है, वो भोजन अन्न देता है, वो अन्नदाता है, तो मासूम होता है, भोला होता है किसान। उसको बरगला दिए लोग, उनको कुछ लोगों को वेस्टर्न यूपी में थोड़ा उस तरफ जहाँ जहाँ विरोधी पक्षों का प्रभाव है, जिन्हाँ जहाँ उनकी सरकार है, वहाँ उन लोगों ने उसका एक अपना स्वार्थ का खेल रच दिया। खैर वो बात अब हो गई, बिल प्रधानमंत्री जी ने समस्त देश के सामने वापस ले लिया, लेकिन ये कहते हुए कि हम समझा नहीं पाए, बड़ी पीड़ा थी, जैसे महादेव जहर पिए थे वैसे प्रधानमंत्री जी देश को संहारने के लिए, कि परिवार का एक सदस्य अगर दुखी है। गुरु नानक जी का पर्व था, पंजाब से आवाजें ज्यादा उठ रही थी, तो उन्होंने एक कि जायदाद, ठंड का महीना है, माई बहन लोग भी बॉर्डर पे वहाँ पे धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको जाने दिया कि जाइए, कभी समझेंगे आप लोग कि वो तीनों बिल आप ही लोगों के लिए था, सरकार का कोई इसमें स्वार्थ नहीं था, सरकार का कोई रत्ती भर फायदा नहीं था। खैर जनु बात हो गई, लू दुखद रहे बहुत, लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री जी का आदेश बा, क्योंकि मेरे पूर्वांचल के किसान भाई हमार खुद का खेत बाटे जौनपुर के राकत में, हमार माई खेती करेला, अभी गांव में रहला, हमारे यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। बड़े किसान जो मालिक थे, जो 1000 एकड़ जिनकर पंजाब में बा, 500 एकड़ बा, उन लोगों के जो पीड़ा भइल बा, एगो राजनीति बहुत बड़ी राजनीति हो गई, एक लंबी चर्चा है। तो आज भी बहुत अच्छा लगल हमके कि तिलहन और दलहन की बात भइल, कि तिलहन के खेती के बढ़ावा मिले के जाए, और पराली का इस्तेमाल जानना किसान भाइयों को बहुत जरूरी है, जलाना इसका आंसर नहीं है, जवाब नहीं कि जरा दो पराली, पराली को भी इस्तेमाल है। प्रधानमंत्री जी यही तो कहते हैं, पूज्य महाराज जी यही कहते हैं कि हर चीज का इस्तेमाल है, कचरा का इस्तेमाल है, पराली का इस्तेमाल है, खेत का इस्तेमाल है, बंजर जमीन का भी इस्तेमाल है, बंजर जमीन का खाद भी है, बीज है, सब लोग है इस मेला में, हम अभी देख के आए, एक जाना बहुत जरूरी बात। लाखों रुपया लोग कमाते हैं, परिवार चलता है, लोगों का शादी ब्याह होता है, मकान बनाला यह खेती से, लेकिन खाली बुद्धिमानी से कि कैसे खेती करे के बाद सरकार की योजनाओं को, केंद्र की योजनाओं को कैसे इस्तेमाल करना है, ये बुद्धिमानी अगर किसान लोगों के पास आई तो बहुत हरार महादेव हो जाए, बम बम हो जाए, 50% पे सब कुछ अब मिल रहा है यहाँ पर, इसका फायदा लीजिए आप लोग। डॉक्टर हरेंद्र उपाध्याय जी संयुक्त कृषि निदेशक जी, डॉक्टर संजय सिंह जी उप कृषि निदेशक, डॉक्टर एस के तोमर जी वैज्ञानिक वेलीपार, डॉक्टर एस पी सिंह जी, डॉक्टर योगेंद्र यादव जी एरिया मैनेजर, डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी जिला कृषि अधिकारी, रामधार यादव जी मन संचालक करता, और हमारे पूरे जितने किसान भाई लोग बहन लोग सब लोगन के हम प्रणाम करब, और लोगन के अधिकारी गण लोगन के धन्यवाद देव, वही अभी कहत रहे डॉक्टर हरेंद्र उपाध्याय जी से कि वो अधिकारी होला कि खाली तनखा ले ले सरकार का और कोनो काम ना कर ले और चल गई ना। एक अधिकारी जब अपने अधिकार को समझता, अधिकारी अधिकार को समझे, समाज के लिए तनखा मिल रही है, सुविधाएं मिल रही हैं, लोग सम्मान दे रहे हैं, लोग प्रणाम कर रहे हैं, आप क्या दे के गए रिटायरमेंट के पहले। कुछ कुछ अधिकारियों को हम लोग मिस करते हैं, यार बड़ा बढ़िया अधिकारी रहा है, चल गई नहीं, का काम करता रहा, कितना जागरूक किए किसानों को, कितना जागरूक किए समाज को, कितना जागरूक किए गरीब गुरबा को, कितना जागरूक किए कि केंद्र और राज्य की योजनाओं को बताए, अनगिनत योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिए हैं, इतना फायदा, इतना सोच आज तक किसी सरकार में, किसी प्रधानमंत्री की इतनी सेंसिटिव सोच रही नहीं गरीबों के लिए। ओके, जाना बहुत जरूरी बात, ये मेला में आए आप लोग बैठे हैं, आप लोग वीडियो लगाए हैं, कैमरे से देख रहे हैं, ये जाना जरूरी बात, के जनवावा
कि योजनाओं का फायदा लो, ऑनलाइन सारी चीजें हैं, अंदर कंप्यूटर भी रखा है, योजनाओं को जानते हैं, केंद्र और राज्य का सारा फायदा, जो जो हम लोगों को सब्सिडी से लेके जो जो डिस्काउंट मिला था उस सब कुछ लेके हम लोग अपनी खेती को मजबूत करें। यही जीवन है किसानों का, यही शक्ति है, भारत उसी पे टिका हुआ है। भारत कृषि प्रधान देश है। आज ये सारी सुविधाएं हैं तो पराली के चलाई कोनो आंसर ना बा। महाराज जी, पूज्य महाराज जी हमेशा यही कहते हैं, पोल्यूशन दे रहे हैं हम लोग, मृत्यु दे रहे हैं हम लोग। यहाँ पर लोग रहना इसलिए गोरखपुर में चाहते हैं, गांव देहात में, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध हवा है। पराली पोल्यूशन है तो दिल्ली बन जाएगा, दिल्ली में आप सांस नहीं ले सकते। मेरा घर दिल्ली में भी है, सरकारी आवास। आप घुटन माप, आप वहाँ जॉगिंग नहीं कर सकते हो सड़क पे, आप दौड़ नहीं सकते हो, आप चल नहीं सकते हो, जहर है पूरी हवा में, क्योंकि वहाँ पे वहाँ की सरकार की जो व्यवस्था है वो अनुसार वैसे लोग चल रहे हैं। आज हम लोगों को जानना है पराली एक पोल्यूशन है। पराली जो हम लोग आज हमारे बाल बच्चे, आने वाली पीढ़ी, हमारे पेड़ पौधे जल रहे हैं, पराली जलाने से हम आने वाले जनरेशन को, अपने बच्चों को जहर पेश कर रहे हैं, उससे हम लोगों को बचना है। तिलहन और दलहन की खेती पर हम लोगों को बड़ा फोकस करना है, लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी बा। आज हमके बहुत अच्छा लगल लोगा लोगन के समक्ष हम आए दुशब्द, चूंकि मैं किसान का बेटा हूँ और मैं ये भावनात्मक तरीके से इस मुद्दे पर बात कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये मेले में आप लोग जाएं, समझें, योजनाओं को समझें, और केंद्र और राज्य की योजनाएं, वो ट्रैक्टर आपको खरीदना हो, बीज खरीदना हो, खाद खरीदना हो, खेती करना हो, बंजर खेती के लिए जो खाद बा, बैंक से कितना लोन मिलेगा, कैसे होगा, खाद किस व्यवस्था में मिलेगा, कितने कम दामों में मिलेगा, ये सारी चीजों को आप लोग यहाँ से फायदा लेके जरूर जाएं। ये सिर्फ मेला किसान भाइयों के लिए लगा है, हमारे जितने भी हैं यहाँ पे मंडल अध्यक्ष भी हैं इस क्षेत्र के, वो लोग भी जनवाएं, जितने मेरे किसान भाई भारतीय जनता पार्टी के, हिंदू युवा वाहिनी के आए हुए हैं, वो लोग भी जनवाएं और इस मेले का फायदा लें, यहाँ से जानकारी लें, जागरूकता फैलाएं और पता करें कि कैसे ये सरकार जागरूक है, कितनी सेंसिटिव है। बिल वापस ले लिए कोई बात नहीं, लेकिन सरकार की जागरूकता, सरकार के फायदे किसानों को निरंतर मिलते जाएंगे। प्रधानमंत्री जी तुरंत हर तरीके से इसको फायदा देने के लिए तैयार रहते हैं, पूज्य महाराज जी तैयार रहते हैं। जहां कृषि जमीन खेती किसान की बात आती है, सालाना 6000 रुपया महीना उनके खाता में, या किसान के फायदे की हर बात के लिए प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार निसंदेह सीना ठोक कर सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ आप लोगों के साथ खड़ी है। इसमें कोई भाषण नहीं, ये कोनो राजनीतिक मंच ना बा, ये भावना से जुड़ा हुआ मंच है, ये किसानों का मंच है, ये किसानों की बातों का मंच है, ये भारत की शक्ति है, जो भारत की रीढ़ की हड्डी है किसान, ये उनका मंच है। इसीलिए मुझे भेजा गया, प्रधान मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी बोले आप सांसद जी जरूर जाइएगा, काल हम के महाराज जी बोला तो मैं आप लोगों के समक्ष आया। मेरे साथ सारे लोग जितने हैं, आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। माननीय विधायक, 12 लाख का अनुदान है ट्रैक्टर की चाबी सर आपके स्वजन से। दूसरा निषाद, और निषाद को भी 15 लाख के प्रोजेक्ट पे 12 लाख का अनुदान है। बस जनता से मैं यही कहा, हाथ जोड़ के सबसे, हम सांसद रवि किशन शुक्ल, पराली मत जलैया हो, दलहन के तिलहन के खेती के बहुत बढ़ावा दा, पराली से पोल्यूशन हुई वातावरण में, पर्यावरण में। जैसे दिल्ली में मैं रहता हूँ, वहाँ पे सरकारी आवास है, वहाँ शहर है, आप लोग कृपया उससे बचें, सब लोगों से पराली को मत जलाएं। बस मैं यही आप लोगों से हाथ जोड़ गया।